अस्सलाम वालेकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी। ये इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना लेती हूँ और आपको भी बताती हूँ ये कैसी बनती है। इसके लिए मैंने ये 4 टमाटर लिए हैं और इसको मैंने ऐसे 1 टमाटर के 2 पीस किए हैं, इसको धो कर लिया है। 1 टमाटर के 2 पीस किए हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6-7 लहसुन की कलियाँ लिए हैं और यहाँ पर ये 1 टेबल स्पून ऑयल है। अब मैंने कढ़ाई गैस पे रखी है, मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ और मैं इसमें ये लहसुन डाल देती हूँ। इसे थोड़ा हमें ब्राउन करना है। ये देखिए हमारे लहसुन हो गए हैं। मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हमें ये टमाटर ऐसे रख लेना, संभाल कर रखना क्योंकि टमाटर गीले होते हैं। ये देखिए सब मैंने रख दिए। अब हमें ढक करके थोड़ी देर, इसे 5 मिनट इसे पकाना है। हमको इसके ऊपर की स्किन पूरी निकाल देनी है। अब इसे ढक कर 5 मिनट रख देते हैं। इस पर हम नमक डाल देते हैं थोड़ा। अब इसे हम ढक करके रख देते हैं। ये देखिए ये अब हमारा हो गया। अब हम इसके ऐसे छिलके निकाल देते हैं। कुछ कुछ थोड़े रहते हैं, फिर हम उसे हाथ से भी निकाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इसके पूरे छिलके निकाल कर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। पूरे छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसमें जो हमने लहसुन ये किए थे तेल में पूरा ये किए थे तो वो हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे। ये एक प्याज है, इसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट किया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली है। अगर आपके पास रेड चिली होगी तो वो थोड़ी डाल लेना। और ये मैंने लिया है, एक हरी मिर्च ली है, इसको मैंने छोटा कट किया है, बहुत छोटे छोटे किए, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर आता है इसका। फिर हम नमक टेस्ट करके फिर हम नमक ऊपर से अगर कम होगा तो डाल देंगे। और ये हरा धनिया डाल देते हैं। और इसे हम पूरा मैश कर लेते हैं। अब इसमें नमक कम है तो मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ और इसे अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए बन गए हमारी टमाटर की चटनी। इसे आप टमाटर का भरता भी बोल सकते हैं। आप भी ज़रूर इसे बनाना और कमेंट करके मुझे बताना कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।